हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आपको मेरे वीडियो में स्वागत है। चलो फिर से हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में किस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे न्यूमेरिकल्स को, जो हमने पहले टॉपिक्स पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो हमने पोटेंशियल फाइंड किया था, डेफिनेशन देखा था उसका, यूनिट, डायमेंशन। फिर हमने देखा कि पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा। फिर हमने देखा डाइपोल के लिए पोटेंशियल क्या होगा। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पे से मैं 3 क्वेश्चन लिया हूं, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है। तीनों क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है ओनली किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फिगर भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सपोज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप। तो हमें कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से या इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो कितना है? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वेक्टर ई इज इक्वल टू के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, ठीक है। कह रहा है वेयर के इज अ कांस्टेंट। फिर हमें पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लाइन इंटीग्रल। तो उसके पहले हम पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमारे पास है, सो लेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डी वेक्टर आर। तो डी वेक्टर आर, क्योंकि देखो यहां पे एक्स और वाई दिया है ना एक्सिस के बीच में, तो इसका छोटा सा जो पार्ट हम एलिमेंट लेंगे वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ओके, अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लिनियर पाथ ज्वाइनिंग द ओरिजिन विद रेस्पेक्ट टू 28। तो हमें एक पॉइंट दिया है P28, और हमें कह रहा है कि इस ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन के लिए इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हम छोटा सा पार्ट लिए dr, जिसका वेक्टर का वेक्टर है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। तो हमें फाइंड करना है लाइन इंटीग्रल। तो वेक्टर ई इंटू डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो वो हो गया के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप इंटू कितना होगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो आंसर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा के वाई इंटू डी वाई प्लस के एक्स इंटू डी वाई, के वाई इंटू डी एक्स प्लस के एक्स इंटू डी वाई। देखो कैसे हो गया, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, तो के वाई इंटू डी एक्स के वाई, क्योंकि आई कैप का मल्टीप्लाई आई से, जे का मल्टीप्लाई जे, क्योंकि आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 और जे डॉट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? वाई का डी एक्स से इंटीग्रेशन होगा नहीं, एक्स का डी वाई से होगा नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है। टर्म क्या दिया है? कह रहा है कि वाई इज इक्वल टू 4x। तो हम क्या लिख सकते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 4x। तो आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4, तो डी वाई इज इक्वल टू 4 इंटू डी एक्स। क्लियर है ना? सो देयरफॉर क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर ई डॉट डी आर इज इक्वल टू, अब वाई की जगह मैं लिख सकता हूं 4x, तो ये हो गया के इंटू 4x इंटू डी एक्स प्लस के एक्स इंटू डी वाई की जगह लिख सकता हूं मैं 4 इंटू डी एक्स। तो आंसर कितना हो गया? 4x इंटू डी एक्स, 4x इंटू डी एक्स, तो 8 के एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो गया वैल्यू ई डॉट डी आर का, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि कोई भी लाइन जॉइनिंग कर रहा है उसके लिए पॉइंट के लिए फाइंड करना। देयरफॉर द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओरिजिन टू पॉइंट पी, क्योंकि हमें कह रहा है कि कहां तक फाइंड करना है, ओरिजिन से पॉइंट पी के लिए फाइंड करना है। डॉट डी आर इज इक्वल टू
जीरो जीरो टू टू एट ई डॉट डी आर की वैल्यू 8kx इंटू डी एक्स। अब देखो याद रखना तुम इसको दो तरह से कर सकते हो, या तो तुम dx की वैल्यू पुट कर दो तो भी चल जाएगा और ये टर्म आ जाएगा y पे, या तो तुम y पे सोल्यूशन करो टर्म आएगा x पे। तो हमने इसको फाइंड किया x टर्म पे, तो हमारा y टर्म की लिमिट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, तो आंसर हो जाएगा 0 to 2 8kx इंटू डी एक्स। अब 8 और k दोनों कांस्टेंट है तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ जगह की कमी की वजह से, क्योंकि हमें सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। चलो यहीं पे देख लेते हैं, तो हो गया लाइन इंटीग्रेशन ओ टू पी ई डॉट डी आर इज, यहाँ पे कम पड़ रहा है तो यहीं पे देखो, तो क्या हो गया ओ टू पी ई डॉट डी आर, तो क्या होगा 8k, तो इंटीग्रेशन x का कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला 0 to 2 है ना, तो 8k, तो आंसर कितना होगा 4/2 - 0, तो आंसर कितना हो गया 16k, तो 0 to PE.dr, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई 16k यूनिट आ रहा है, ठीक है ना, कितना आया 16k यूनिट आंसर आया। तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था, हमने कुछ नहीं किया है, खाली इंटीग्रेशन किया है ई डॉट डी आर इज इक्वल टू के वाई आई के प्लस के एक्स जे कैप, तो हमें मिला डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे कैप, तो के वाई इंटू डी एक्स प्लस के एक्स इंटू डी वाई ई डॉट डी आर इज इक्वल टू 4kx इंटू डी एक्स, तो हमने इसको सोल्यूशन किया, तो हमें एक टर्म दिया था ये, इसको हमने वैल्यू पुट कर दिया। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी गड़बड़ लग रहा है कि बहुत अंदर कोने कोने में हो जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम यहीं पे ही सॉल्व करते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0 to 2, तो कांस्टेंट हो गया क्या यहाँ पे 8k 0 to 2 x इंटू डी एक्स, ठीक है, तो x इंटू डी एक्स का आ गया कितना एक्स स्क्वायर बाई टू 0 to 2, तो आंसर हो गया 8k, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4/2 - 0, तो कट करेंगे तो आंसर आएगा 16k, ठीक है, ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट है, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ओपी विथ रेस्पेक्ट टू 0 0, तो हमें कह रहा है इस लाइन के लिए कोई भी एक पॉइंट है, पता नहीं कोई एक पॉइंट सपोज हम क्यों ले लेते हैं एक्स वाई, तो हमें इसके लिए क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कह रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बहुत सिंपल सा है वी इज इक्वल टू माइनस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा ओ टू, हमें कह रहा है कोई एक पॉइंट है क्यू, तो ओ टू क्यू हो गया और ये हो गया ई डॉट डी आर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद होगा आपको कल हमने सॉल्यूशन किया था, परसों हमने देखा था ना, तो हमने इसको पहले सॉल्यूशन करके रखा है, तो 8kx into dx आ रहा है, तो इसका कोई एक पॉइंट है एक्स वाई, तो हम सिर्फ x टर्म है 0, तो आंसर हो गया 8kx into dx, तो आंसर कितना आ जाएगा 8k हो गया बाहर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट 0 to x, तो 0 का हो गया 0, x का हो गया कितना 8kx² / 2, यही आएगा, तो 8kx² / 2, 2 से अगर मैं कट करूंगा तो आंसर कितना है 4, तो 4kx², तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया 4kx² आ रहा है, ठीक है, तो ये सॉरी -4kx², तो आंसर क्या आ रहा है -4kx², ठीक है, तो ये कुछ नहीं था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने सिंपली सॉल्व किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया फर्स्ट इक्वेशन, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, तो जल्दी से नोट कर लो और हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, हो गया। चलो तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, है ना, एक समान आवेशित चालक तार के लिए विद्युत क्षेत्र, याद है आपको फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू
इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो ये आपको फील्ड दिख रहा है वही है। तो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द लेंथ ऑफ एन इंफिनिटली लॉन्ग वायर इज। तो हमें कह रहा है कि बहुत एक लंबे तार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, याद रखना वेक्टर नहीं है, ठीक है। कह रहा है वेल लेमडा इज लिनियर चार्ज डेंसिटी, तो कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट हैविंग डिस्टेंस बी फ्रॉम द वायर विथ रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट हैविंग डिस्टेंस ए। तो हमें कह रहा है ए से बी तक किसी चार्ज को लाने के लिए जो पोटेंशियल है वो फाइंड करो, है ना। और कैसा है, तो पैरेलल है, मींस ई पैरेलल तो क्या है डी आर है। तो क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी इज इक्वल टू, और डेल्टा वी इज इक्वल टू, या वी इज इक्वल टू ले लेते हैं माइनस ए टू बी, याद होगा आपको कहां से ला रहे हैं हम, ए से कहां तक ला रहे हैं बी तक, तो ए टू बी ई डॉट डी आर, लेकिन दोनों पैरेलल हैं तो हमें इसको लिख सकता हूं ए टू बी ई डी आर, ठीक है। तो माइनस ए टू बी ई की वैल्यू कितनी है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू डी आर। तो लेमडा कौन है, चार्ज डेंसिटी, 2 नंबर है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, सो ए टू बी आर इंटू डी आर, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिला वी इज इक्वल टू, सॉरी 1 बाई आर। अब 1 बाई आर का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln मीन्स log ई, नेचुरल log r होगा ln x, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इंटू डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू ln x ए टू बी, ठीक है। तो ये भी सेम टू सेम है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, 1 बाई आर का हो गया ln r लिमिट a टू b माइनस है, ठीक है। तो माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्या होगा, ln b अपर लिमिट माइनस ln a लोअर लिमिट। अब ये माइनस को अंदर इंक्लूड करूंगा तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln a माइनस ln b, ठीक है ना। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln a माइनस ln b क्या होगा, ln a बाई b, हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन बिंगिंग ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु ए से बिंदु बी तक किसी आवेश कण को ले जाने के लिए विभव का सूत्र हमें मिला वी इज इक्वल लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln a बाई b, किसके लिए है। तो हमें कह रहा है कि एक वायर है, इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉइंट पर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो हमें कह रहा है वहां पे ए से बी तक लाने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा। तो हमने सिंपली सॉल्यूशन किया है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप नोट कर सकते हो। चलो फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ई इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, फिर हमें कह रहा है वेयर ए इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर, ए कितना है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर है। तो हमें कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द ओरिजिन With respect to the point 10, 20, तो हमें कह रहा है कि
ए जो है वो जीरो जीरो से कहां तक, बी कितना है, 10 20, 10 20 मीटर। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। सो लेट एनी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। सो ई डॉट डी आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पर है। तो हमें क्या मिला, एक्स आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस एक्स आई कैप डॉट डी वाई जे कैप। तो आई कैप वन, तो हमें मिला एक्स इंटू डी एक्स प्लस जीरो, क्यों, आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। तो आंसर क्या है, एक्स इंटू डी एक्स, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आ गया ई डॉट डी आर। मैंने क्यों ऐसा फाइंड किया, तो आपको पता होगा कि हमारा डेफिनेशन क्या है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वी इज इक्वल टू माइनस, कहां से ले आ रहे हैं हम, ओरिजिन टू पॉइंट पी, ठीक है ना, यानी कि हमने ए दिया है, तो ए टू बी ई डॉट डी आर ए है। सो माइनस ए कितना है, ए है जीरो जीरो, बी कितना है 10 20, ई डॉट डी आर की वैल्यू कितनी आई, एक्स इंटू डी एक्स। सो माइनस, अब ऐसे पे एक्स एक्सिस पर है, तो जीरो टू टेन एक्स इंटू डी एक्स। सो माइनस ए एक्स का कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो टू टेन, तो आंसर कितना मिला, ए इंटू 10 स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, मीन्स माइनस ए इंटू 100 बाई टू, और ए की वैल्यू कितनी है 10, तो आंसर कितना हो गया, माइनस 10 इंटू 50 अपॉन माइनस 500, मीन्स वी इज इक्वल टू माइनस 500 वोल्ट। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एट द, सॉरी एट द ओरिजिन है, तो थोड़ा सा उल्टा हो गया, बी टू ए है, मीन्स 10 20 टू 0 0 10 0 10 0, सो आंसर 10 स्क्वायर बाई 2 एंड 0, सो आंसर होगा माइनस माइनस प्लस, तो 500 वोल्ट। तो पोटेंशियल कितना है, 500 वोल्ट। कैसे, तो फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द ओरिजिन कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो हमें कहां से, तो अगर फिगर थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा है, ये कोई एक पॉइंट है 10 20 मीटर पे, पॉइंट बी जो कि हमारा पॉइंट है, तो हमें यहां से चार्ज को यहां तक लाने के लिए क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक था लाइन इंटीग्रेशन, या फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, है ना, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने सॉल्व किया था, तो उसी के बेसिस पे मैंने तीनों क्वेश्चन लिया था। अगर आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, या कोई भी डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मुझे वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करना है या कोई चेंजेस करनी है अपने एक्सप्लेनेशन को लेकर, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, या फिर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर वीडियो में आपको कुछ भी अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको वीडियो अच्छा थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू विल सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।